वेलकम टू एजुकलिक, योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकलिक में। जैसा कि पिछली क्लास में हमने और आपने अव्यय पदों का अध्ययन किया था, उसके बाद में आपको बताया गया था कि अगली जो क्लास होगी उसमें लकारों का अध्ययन किया जाएगा। लेकिन लकारों से पहले पुरुष, वचन और लिंग आदि को देख लेते हैं। तो सबसे पहले आइए वचन। सबसे पहले वचन अर्थात वचन का आ जाता है संज्ञा के जिस रूप से उनके संख्या का बोध होता है, बोध होता है उसे वचन कहते हैं, उसे वचन कहते हैं। अर्थात देखिए, वचन जो होते हैं संस्कृत में तीन होते हैं। कितने होते हैं? तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब देखिए वचन के भेद, वचन के भेद या प्रकार तीन होते हैं। नंबर एक, एक वचन, दो द्विवचन, तीन बहुवचन। बहुवचन, अब देखिए एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीन वचन होते हैं। तो संज्ञा के जिस रूप से केवल एक व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से एक व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। अर्थात जिससे केवल के तो एक व्यक्ति का बोध हो अथवा एक वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहा जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में शे वह, त्वमो त्वमो, एहिमे मैं इत्यादि। अब इससे जो अगला है द्विवचन, संज्ञा के जिस रूप से दो व्यक्ति अथवा दो वस्तुओं का बोध होता है उसे द्विवचन कहते हैं। अब देखिए संज्ञा के जिस रूप से दो व्यक्ति अथवा दो वस्तुओं का बोध होता है उसे द्विवचन कहते हैं। जैसे तौ वे दोनों, युवाम तुम दोनों,
आवाम हम दोनों इत्यादि। अब देखिए बहुवचन संज्ञा के जिस रूप से तीन या तीन से अधिक, तीन या तीन से अधिक व्यक्ति अथवा वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे ते बेसव बालकः तथा तीन बालक इत्यादि। अब देखिए सबसे पहले हमने यहां जो अध्ययन किया था वचन, अथवा वचन कहा जाता है संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा के जिस रूप से उनकी संख्या का बोध होता है, अथवा उनकी संख्या एक है, दो है, तीन है, तीन से अधिक है, तो संज्ञा के जिस रूप से उनकी संख्या का बोध होता है उसे वचन कहा जाता है। और संस्कृत में जो वचन होते हैं वो तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये आपको ध्यान रखना है। यदि आप हिंदी का अध्ययन कर रहे हैं तो हिंदी में वचनों की संख्या केवल दो ही होती है, एक वचन और अथवा बहुवचन। अब देखिए एक वचन संज्ञा के जिस रूप से केवल एक व्यक्ति अथवा एक वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहा जाता है। जैसे एक है, बालक है, या से, शे, त्वमो, से का अर्थ होता है वह, त्वम का होता है त्वमो, और अहम का होता है मैं। अवे द्विवचन और संज्ञा के जिस रूप से दो व्यक्ति अथवा दो वस्तुओं का बोध होता है उसे द्विवचन के नाम से जाना जाता था, उसे द्विवचन कहते हैं। जैसे तव, वे दोनों, आवाम, वो सॉरी युवाम, तुम दोनों, आवाम, हम दोनों। ऐसे ही अगला बहुवचन संज्ञा के जिस रूप से तीन व्यक्ति या तीन से अधिक, तीन या तीन से अधिक व्यक्तियों का बोध अथवा वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में ते, बेसब, बालकः, तीन बालक इत्यादि। मुझे लगता है ये वचन आपके समझ में आए होंगे। अब इससे आगे चलते हैं और पुरुष का अध्ययन करते हैं। अब देखिए इससे आगे पुरुष, अब देखिए संस्कृत में जो पुरुष होते हैं वो तीन होते हैं, एक प्रथम पुरुष, अतः प्रथम पुरुष कहा जाता है जिसके विषय में बात की जाए उसे प्रथम पुरुष कहा जाता है, अर्थात प्रथम पुरुष को, प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष के, अन्य पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात कहते हैं। जैसे से, वह, तव, वे दोनों, ते, बेसब,
ये सब प्रथम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। अर्थात यदि आपको कहा जाए कि इन प्रथम पुरुष अर्थात मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के सभी कर्ताओं को छोड़कर यदि सभी जो आते हैं वो प्रथम पुरुष के कर्ताओं के अंतर्गत आते हैं। देखिए यथा जैसे से वह तव वे दोनों ते वे सब इसके बाद में मध्यम पुरुष का जिसके सामने कहा जाता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तम युवाम तुम दोनों यूयम तुम सब यूयम तुम सब अर्थात जिसके सामने कहा जाता है उसे मध्यम पुरुष के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में उत्तम पुरुष जो कहने वाला होता है बाला होता है उसे अथा कहने वाला या जो वक्ता होता है उसे उत्तम पुरुष के नाम से जाना जाता है। अतः जो कहने वाला होता है स्वयं अथा जो वक्ता होता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। उदाहरण के रूप में यथा एहेम जैसे मैं पढ़ता हूं हम दोनों खेलते हैं हम सब पढ़ते हैं एहेम मैं आवाम हम दोनों और वयम हम सब जैसे मैं पढ़ता हूं हम दोनों लिखते हैं हम दोनों चित्र देखते हैं हम दोनों पुस्तक पढ़ते हैं हम सब खेलते हैं इस प्रकार। अब देखिए ये हो गए आपके पुरुष। संस्कृत में तीन पुरुष होते हैं। प्रथम पुरुष जिसको अन्य पुरुष के नाम से भी जाना जाता है प्रथम पुरुष को कहा जाता है जिसके विषय में बात की जाती है अर्थात जो वक्ता होता है किसी अन्य दूसरे के बारे में जो बात करता है उसे प्रथम पुरुष अथवा अन्य पुरुष के नाम से जाना जाता है। जैसे वह बालक छह बालक है वह जा रहा है सह गच्छति तो जो वक्ता जो होता है अपने बारे में बात ना कर किसी अन्य के बारे में बात करे तो उसे प्रथम पुरुष के नाम से जाना जाता है। अतः जिसके विषय में बात की जाए उसे प्रथम पुरुष कहा जाता है। अतः प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। अतः इसका प्रथम पुरुष का जो उपनाम है अतः दूसरा जो नाम है अपर नाम जो है वो है अन्य पुरुष है। जैसे उदाहरण के रूप में से वह तव वे दोनों ते वे सब अवे मध्यम पुरुष जिसके सामने कहा जाता है अर्थात जो श्रोता होता है वक्ता के सामने जो श्रोता होता है उसे मध्यम पुरुष के नाम से जाना जाता है। अर्थात जिसके सामने कहा जाता है अर्थात जो सुनने वाला जो होता है उसे मध्यम पुरुष के नाम से जाना जाता है। जैसे तुम क्या कर रहे हो तुम सब पढ़ रहे हो हम सब खेलते हैं हम सब लिखते हैं
इत्यादि तुम दोनों युवाम तुम वो तुम युवाम तुम दोनों युयम तुम सब। अब देखिये उत्तम पुरुष जो कहने वाला होता अर्थात तो जो वक्ता होता है उसे उत्तम पुरुष के नाम से जाना जाता है। जैसे मैं पढ़ रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, हम दोनों खेलते हैं, हम दोनों कल भरतपुर जाएंगे। तो इस प्रकार कहने वाला जो होता है अर्थात वक्ता जो होता है उसे उत्तम पुरुष के नाम से जाना जाता है। अब देखिए इससे आगे आपके पुरुष हो गए, वचन हो गए, अब देखते हैं लिंग। इसके बाद में लिंग, अब देखिए इससे आगे लिंग, अब देखिए लिंग कहा जाता है संज्ञा के जिस रूप से पुरुष स्त्री और नपुंसकत्व का बोध होता है उसे लिंग कहा जाता है। अब देखिए लिंग के जो भेद होते हैं अर्थात प्रकार जो होते हैं वो तीन होते हैं, पुलिंग स्त्रीलिंग नंबर तीन नपुंसक लिंग। अतः पुलिंग कहा जाता है संज्ञा के जिस रूप से केवल पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुलिंग कहते हैं। जैसे राम है, श्याम है, मोहित है, अशोक है, जगमोहन है, दीपक है, मुकेश है इत्यादि, जिससे केवल पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुलिंग के नाम से जाना जाता है। अर्थात पुरुष जाति का जो बोध होता है उसे पुलिंग कहा जाता है। उदाहरण के रूप में राम है, श्याम है, मोहित है, अशोक है, जगमोहन है, दीपक है, अर्थात जितने भी पुरुषों के नाम है वो सभी इस पुलिंग के अंतर्गत आते हैं। और इसके बाद देखते हैं नपुंसक लिंग स्त्रीलिंग संज्ञा के जिस रूप से केवल स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे राधा, सीता, गीता, नीतू, शीला, मीना, मती इत्यादि अर्थात इस स्त्रीलिंग जिससे केवल स्त्री जाति का अर्थात स्त्री समूह आदि का बोध हो उसे स्त्री लिंग के नाम से जाना जाता है। अब है नंबर तीन नपुंसक लिंग।
संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा के जिस रूप से नपुंसकत्व ने पुरुष ने स्त्री का बोध होता है, बोध होता है उसे नपुंसक लिंग कहते हैं। अब देखिए, संज्ञा के जिस रूप से न तो पुरुष जाति का बोध होता है ना ही स्त्री जाति का बोध होता है, उसे नपुंसक लिंग के नाम से जाना जाता है। अर्थात वे शब्द वे पद जिनको ना पुरुष पुल्लिंग में सम्मिलित किया जाता है ना स्त्रीलिंग में सम्मिलित किया जाता है, उनको नपुंसक लिंग में सम्मिलित किया जाता है। जैसे पुस्तकम कमलम पुष्पम इत्यादि। अर्थात इस नपुंसक लिंग के अंतर्गत वो पद आते हैं, वे शब्द आते हैं जिनको ना पुल्लिंग में सम्मिलित किया जाता है ना स्त्रीलिंग में सम्मिलित किया जाता है, वो नपुंसक लिंग के अंतर्गत आते हैं। और देखिए, एक बार इस लिंग को पुनः देख लेते हैं। लिंग संज्ञा के जिस रूप से पुरुष स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहा जाता है। अर्थात लिंग के तीन भेद होते हैं। एक पुल्लिंग, पुल्लिंग संज्ञा के जिस रूप से केवल पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग के नाम से जाना जाता है, अर्थात पुल्लिंग कहते हैं। जैसे राम है, श्याम है, मोहन है, लखन है, प्रदीप है, मोहित है, सुरेश है, दिनेश है इत्यादि। अब है स्त्रीलिंग, संज्ञा के जिस रूप से केवल स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे राधा, सीता, गीता, नीतू, शीला, मीना, मती इत्यादि। अब है नपुंसक लिंग, संज्ञा के जिस रूप से नपुंसकत्व अर्थात ना तो पुरुष जाति का और ना ही स्त्री जाति का बोध होता है उसे नपुंसक लिंग कहते हैं। जैसे पुस्तकम पुस्तक, कमलम कमल, पुष्पम फूल इत्यादि। मुझे लगता है इस लिंग आपके समझ में आया होगा। अब हम इसको मिटा देते हैं और आगे चलते हैं। अब देखिए, इससे आगे कर्ता सारणी, आपको लकार पढ़ने से पहले के लक जो कर्ता जो है अतः प्रथम पुरुष के कर्ता, मध्यम पुरुष के कर्ता अथवा उत्तम पुरुष के कर्ता कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आपको यहां एकवचन, द्विवचन और बहुवचन प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब देखिए, कर्ता जो होते हैं प्रथम पुरुष के कर्ता जो होते हैं उनके तीनों लिंगों में अलग अलग होते हैं, लेकिन मध्यम पुरुष के और उत्तम पुरुष के जो कर्ता होते हैं चाहे पुल्लिंग हो, चाहे नपुंसक लिंग हो, चाहे स्त्री लिंग हो, उन तीनों लिंगों में एक समान रूप से प्रयुक्त किए जाते हैं। अब आपको जो पहले देखने हैं पुल्लिंग में, प्रथम पुरुष के जो कर्ता देखने हैं किसमें, पुल्लिंग में देखने हैं, पुल्लिंग में किसमें, पुल्लिंग में। तो पुल्लिंग में जो कर्ता है प्रथम पुरुष एक वचन वह है से, से का अर्थ होता है वह है, क्या होता है वह है।
द्विवचन होता है तव। तव का अर्थ होता है वे दोनों। और ते बहुवचन में ते का अर्थ होता है वे सब। अब देखिए पुल्लिंग के जो करता है वो है से का अर्थ वह है। क्या है? वह है। तव का वे दोनों, ते वे सब, ये है पुल्लिंग के। ये किसके करता है? प्रथम पुरुष के हैं, लेकिन कौन से लिंग के हैं? पुल्लिंग के हैं। जैसे वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, वे दोनों पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं, तो उसमें इसका प्रयोग किया जाएगा। वह से पठती, वे दोनों पढ़ते हैं, तव पठते हैं, वे सब पढ़ते हैं, ते पठंती। इसके बाद में स्त्रीलिंग के जो करता है प्रथम पुरुष के, यह केवल सा का अर्थ भी वह होता है। अब देखिए सा वह ते वे दोनों, ताहा वे सब, वे सब। अब देखो वह पढ़ती है तो सा पढ़ती, वे दोनों पढ़ती हैं, ते पठते हैं, वे सब पढ़ती हैं, ता पठंती। अब इससे अब जो है नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग। अब देखिए ये केवल आपके जो चल रहे हैं केवल प्रथम पुरुष के कर्ता चल रहे हैं। किसके चल रहे हैं? और ये आपको ध्यान रखना है केवल प्रथम पुरुष के जो कर्ता होते हैं वो तीनों लिंगों में अलग अलग चलते हैं, बाकी मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के कर्ता तीनों लिंगों में एक समान रूप से प्रयुक्त किए जाते हैं। अब जैसे नपुंसक लिंग में तत् वह, ते वे दोनों, वे दोनों, तानी वे सब, वे सब। अथा वह फल, वह फल गिरता है, वे दोनों फल गिरते हैं, वे सब फल गिरते हैं। तो इनका तत् फलम पतति, ते फले पतते हैं, तानी फलाने पतंती, इस प्रकार इनका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा प्रथम पुरुष के अंतर्गत जो आते हैं वो सभी संज्ञा शब्द प्रथम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। इनके अलावा, अब ये तो ये जितने भी संज्ञा शब्द हैं अर्थात जितने भी नाम हैं, चाहे वो पुरुष जाति के हों चाहे स्त्री जाति के हों, जितने भी नाम हैं वो सभी चाहे नपुंसक लिंग के हों चाहे पुल्लिंग के हों चाहे स्त्रीलिंग के हों चाहे नपुंसक लिंग के हों, किसके अंतर्गत आते हैं? प्रथम पुरुष के ही अंतर्गत आते हैं अर्थात अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा अब यहां इनसे आगे जो देखते हैं वो मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब देखिए ये तो हो गए आपके प्रथम पुरुष के कर्ता। किसके हो गए? प्रथम पुरुष के कर्ता हो गए। इसके अलावा अब आपको देखने हैं मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष है, मध्यम पुरुष के जो कर्ता है एक वचन में त्वम। क्या है? त्वम। त्वम का अर्थ होता है तुम या तू।
ऐसे द्विवचन में युवाम, युवाम का अर्थ होता है तुम दोनों। ऐसे ही यूयम, यूयम का अर्थ होता है तुम सब। अब देखिए प्रथम पुरुष दो सॉरी मध्यम पुरुष एक वचन में तुम, द्विवचन में युवाम और बहुवचन में यूयम। अब देखिए ये पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में अथवा नपुंसक लिंग में एक समान रूप से प्रयुक्त किए जाते हैं, अर्थात इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। जैसे तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो, तो तुम पढ़सी, युवाम पठते है, युयम पठत। ऐसे ही अब उत्तम पुरुष के जो करता है, उत्तम पुरुष के जो करता है एहम, एहम का अर्थ होता है मैं, आवाम का अर्थ होता है हम दोनों, और बयम का अर्थ होता है हम सब, का अर्थ होता है हम सब। अब देखो ये कर्ता सारणी आपको याद होनी चाहिए। जैसे मैं पढ़ता हूं, हम दोनों पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं, तो अहम पठामि, आवाम पठावे है, बयम पठामे है। अब देखिए ये जो कर्ता सारणी आपको याद होनी चाहिए कि पुल्लिंग में पुल्लिंग के कर्ता जो है से तौते, स्त्रीलिंग के साते ताहा, नपुंसक लिंग के तत्ते तानी, और जितने भी संज्ञा शब्द होते हैं, जितने भी नाम हैं, वो सब प्रथम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए मध्यम पुरुष तुम, युवाम यूयम, उत्तम पुरुष एहम आवाम बयम। और ये आपको ध्यान रखना है कि मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के जो कर्ता हैं, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे नपुंसक लिंग हो, तीन लिंगों में एक समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं, उनमें लिंग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है। केवल जो परिवर्तन होता है वो प्रथम पुरुष के कर्ताओं के अंतर्गत ही होता है। और देखिये ये जो कर्ता सारणी आपको याद करनी है, इसके अलावा कल तो आपको पता होगा कि शुक्रवार है और शुक्रवार को आपका टेस्ट होगा। अब तक जो आपको कुछ करा दिया गया है, जैसे संधि है, समास है, अव्यय पद है, या उनको आपको बड़ी ठीक ढंग से उनका अध्ययन करके आना है और आपको तैयारी करके आनी है। तो अगली इसमें इनके अलावा अगली जो क्लास होगी अर्थात सोमवार को जो क्लास होगी आपकी, उसमें लकार प्रारंभ किए जाएंगे और लकार में आपको ये काम आएंगे अर्थात जो बैक बनवाएंगे आपके लिए, जैसे लट लकार में, लट लकार में, लोट लकार में, विधि लिंग लकार में या लंग लकार में, जो है आपके जो सिलेबस में है उनके अनुसार आपको ये काम आएंगे उसमें वाक्य निर्माण में। तो ये आपको कर्ता जो सारणी है ये आपको कंठस्थ होनी चाहिए। तो हमारे इस वीडियो को लाइक व शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा तो कल आपका अर्थात शुक्रवार को आपका टेस्ट होगा, तो बड़ी ठीक ढंग से आप तैयारी करके आए, अर्थात तो आपको तुरंत जो टेस्ट में दिया जाएगा तो उसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ही आपको कमेंट करने हैं कि आप कितना ग्रहण कर पा रहे हो या अथवा कितना ग्रहण नहीं कर पा रहे हो, तो आपको कमेंट बॉक्स में इनके आंसर देने हैं। अच्छा तो मिलते हैं कल के नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।